नमस्कार, मैं दीक्षा जयपुरियार, आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। हजारीबाग शहर के मटवारी मोहल्ले में जमीन रास्ते के लिए छोड़ने को लेकर सिर फुटबल मचा है। कई लोगों ने सड़क के लिए जमीन छोड़ी, पर जब वहीं के एक बासिंदे की बारी आई तो उसने इनकार कर दिया। अब इसे लेकर रोज हंगामा हो रहा है। मामला कोरा थाना क्षेत्र का है, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। कोर्रा थाना अंतर्गत बाबू गांव में जमीनी विवाद रास्ते को लेकर चल रहा है। बताया जाता है कि बाबू गांव SL कोचिंग सेंटर के पास आनंद शर्मा द्वारा खरीदी गई जमीन में से रास्ता नहीं दिए जाने को लेकर यह मामला तुल पकड़ रहा है, जबकि पास पड़ोस के लोगों द्वारा 16 फीट का रास्ता अपनी अपनी जमीन में लोगों ने छोड़ा है, मगर आनंद शर्मा द्वारा रास्ता देने को लेकर जमीन नहीं छोड़ने के बाद इसे लेकर मोहल्ले वासियों में काफी आक्रोश फैल गया है। शिकायतकर्ता समाजसेवी भाजपा नेता नीरज गुप्ता ने यह बताया है कि रास्ता नहीं होने के कारण कई बार घटना घट चुकी है। बताया कि कुछ दिन पहले भी एक पिता पुत्र उस रास्ते से गुजर रहे थे, दुर्घटना घटी जिससे दोनों को गंभीर चोट लगी। तब जाकर हम लोगों ने आपसी सहमति के साथ कोर्रा थाना पहुंचकर आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाया। यह भी बताया कि सदर अंचल अधिकारी, अनुमंडल दंड अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय झारखंड को भी उन्होंने प्रतिलिपि सौंपा है। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। कोर्रा का मामला है कि एक जमीनी विवाद को लेकर रास्ते नहीं देने के कारण एक मामला प्रकाश में आया है। आइए, हम कोर्रा थाना प्रभारी कोर्रा थाना में आए हुए हैं। वहाँ पर एक जो पीड़ित है वो अपनी शिकायत लेकर यहाँ पहुँचे। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ हुआ है वहाँ पर, जिसको लेकर यह यहाँ पर आवेदन देने के लिए आए हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं नीरज गुप्ता, समाज सेवी सा, भाजपा नेता, हजारीबाग। ये मामला है आपका सदर अंचल के हल्का आपके ज्ञानी सर जो कर्मचारी है उनका क्षेत्र का मामला है, और कोर्रा थाना प्रभारी जो है कोर्रा क्षेत्र का मामला। ये मामला है रास्ते का, 16 फीट का रोड है जिसमें से प्रस्तावित रास्ता 8-8 फीट आमने आप सामने से दोनों पक्ष छोड़ते जा रहे हैं, रास्ता निकलते जा रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले एक मियाँ जी का जमीन माने खतियान से जो है एक आनंद शर्मा जी करके जो है जमीन खरीदे हैं, और वो जब मोहल्ला टोला से सब लोग पंचायत के उनके पास प्रस्ताव दिया गया कि आपको भी 8 फीट छोड़ के बाउंड्री करना होगा, लेकिन वो श्वासन दिए कि ठीक है हम 8 फीट छोड़ के करेंगे, लेकिन अचानक 3 महीना पूर्व जो है उन्होंने 4 दीवारी दे दिया और 1 इंच भी जमीन वो छोड़े नहीं है। लेकिन उस समय तक क्या था कि मौसम सूखा हुआ था, पता चला नहीं। लेकिन आज के समय उस रोड का जो स्थिति है बहुत दयनीय है। प्रत्येक दिन 4-5 मोटरसाइकिल का दुर्घटना हो रहा है। कल शाम की घटना मैं बताना चाहता हूँ कि एक पति पत्नी 1 साल का बच्चा लेके जा रहे थे, तो उस बच्चा का जो है वहाँ पर ही जो है दुर्घटना हो गया और बच्चा बेचारा गड्ढा में गिर गया। तो एक हमारे पड़ोसी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है छेदी अंकल, उन्होंने 500 रुपये दे के उस बच्चा को जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा। अभी बच्चा स्वस्थ है, ठीक है। लेकिन मैं यही थाना प्रभारी से निवेदन करना चाहता हूँ और सदर अंचल अधिकारी और अपने अनुमंडल दंडाधिकारी से कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। और वो जो है एकदम रंगदार टाइप का आदमी है, रंगदारी टाइप बोलता है कि महंगा जमीन लिया, हम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, उसको तत्काल कोर्रा थाना प्रभारी से निवेदन है कि FIR दर्ज करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, वरना फिर हम लोग मोहल्लावासी जो है आप स्वतंत्र हैं, हम लोग मिलजुल के फिर अपना निर्णय लेंगे। धन्यवाद। आपका अपना नीरज गुप्ता, हजारीबाग। आइए अब देखते हैं क्या कुछ इस मामले में थाना प्रभारी संज्ञान लेते हैं। मैं आवाज़ हर्षित टीवी से सोनू।